स्टूडेंट्स, लास्ट टर्न पर हमने पढ़ा था द आइसोथर्म्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या एंड्रयूज आइसोथर्म्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से किसी भी गैस को, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड को, क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे हम लिक्विफाइड कर सकते हैं या लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 31 डिग्री सेल्सियस था। लेकिन यदि कार्बन डाइऑक्साइड का टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रखा जाए तो गैस को लिक्विड में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, चाहे हम कितना भी प्रेशर अप्लाई करें। आज हम पढ़ेंगे कंटिन्यूटी ऑफ द स्टेट या अवस्था सातत्य। इसके लिए हमको वापस अपने कार्बन डाइऑक्साइड के एंड्यूज आइसोथर्म को देखना होगा, जिसको हमने लास्ट टर्न पर डिस्कस किया था। वापस आप अपने उसी फिगर को देखें, जैसे यहाँ पर मैंने इसको दिखाया हुआ है फिगर 2.12, तब आप देखें कि हम इस ग्राफ के अंदर बिंदु R को लेते हैं जो 13.1 डिग्री सेल्सियस पर है। इस बिंदु R पर कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस स्टेट में है। हमने क्या किया, हमने बिंदु R से गैस की टेम्परेचर को राइज किया। अभी टेम्परेचर है 13.1 डिग्री सेल्सियस, अब हमने गैस के टेम्परेचर को राइज किया। जब गैस के टेम्परेचर को हम राइज करेंगे, ध्यान रखिए वॉल्यूम अभी हमने कांस्टेंट रखा है, तो गैस का क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा। गैस का प्रेशर बढ़ते बढ़ते पहुंच गया है S बिंदु पर। किस पर पहुंच गया है, S बिंदु पर। और यहाँ पर टेम्परेचर कितना है, अब टेम्परेचर गैस का हो चुका है 48.1 डिग्री सेल्सियस। यदि आप ध्यान से देखें तो S बिंदु पर भी कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस स्टेट में ही है। तो R से S के बीच में व्हाट वी हैव डन, वी हैव जस्ट इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सो दैट इट्स प्रेशर इंक्रीजेस अप टू S विद द टेम्परेचर कीपिंग द वॉल्यूम कॉन्स्टेंट। एट S द कार्बन डाइऑक्साइड इज अगेन इन द गैसियस स्टेट। S बिंदु पर पहुंचने के पश्चात अब हम गैस का वॉल्यूम तेजी से डिक्रीज करते हैं। क्या करते हैं, हम गैस का वॉल्यूम तेजी से डिक्रीज करते हैं और वॉल्यूम को डिक्रीज करते हुए पॉइंट T तक ले आते हैं, S से T तक। आपने क्या ऑब्जर्व किया कि कार्बन डाइऑक्साइड S बिंदु पर क्या थी, गैस थी, लेकिन T बिंदु पर आने पर ये क्या हो गई, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गई। कहां पर बदली, आप नहीं जज कर सकते। यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश दैट व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्टेड फ्रॉम गैसियस टू लिक्विड स्टेट, इट इज इनडिस्टिंग्विशेबल। इसको हम विभेद नहीं कर सकते। वापस हम इसी लाइन को देखें, बिंदु R पर कार्बन डाइऑक्साइड गैसीय अवस्था में थी, बिंदु S पर पुनः गैसीय अवस्था में थी, बिंदु T पर यह लिक्विड स्टेट में आ गई, लेकिन कब आई हमको पता नहीं लगा। लेकिन इससे नीचे के ग्राफ में आप देखेंगे, जो हमने पहले पढ़े थे, हम क्लियर कट देख रहे थे कि कार्बन डाइऑक्साइड R या H बिंदु पर गैस अवस्था में थी, I बिंदु पर इसका लिक्विफिकेशन स्टार्ट हुआ, I से J तक लिक्विड और गैसेस स्टेट दोनों थी, J पर कंप्लीटली ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गई थी, उसके बाद ये कंप्लीट लिक्विड थी। इसका मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज करके वी कैन कन्वर्ट, याद रखिए, वी कैन कन्वर्ट द कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द लिक्विड स्टेट, बट अगेन इट कम्स एट द 13.1 डिग्री सेल्सियस या बिलो 31 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा क्रिटिकल टेम्परेचर वाला कंसेप्ट तो नहीं बदलेगा, लेकिन यहाँ पर हमने दूसरे पाथ पर, हम उसी टेम्परेचर पर आए लेकिन प्रेशर और वॉल्यूम को चेंज करते हुए, बिना ये विभेद किए हुए कि कार्बन डाइऑक्साइड कब
गैसेस स्टेट में थी और कभी लिक्विड स्टेट में आई, इसे ही हम कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट कहते हैं या अवस्था सातत्य कहते हैं। तो इसका मतलब अवस्था सातत्य क्या हुआ? अवस्था सातत्य को आप डिफाइन कर सकते हो, दिस टाइप ऑफ द चेंज ऑफ ए फेज ऑफ ए सब्सटेंस व्हेन टू फेजेस कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश इज नोन एज द कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट। किसी भी पदार्थ का वह अवस्था परिवर्तन जिसमें कि दोनों प्रावस्थाओं में विभेद न किया जा सके, इसे ही अवस्था सातत्य या कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द कैलकुलेशन ऑफ क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स। क्रिटिकल कॉन्स्टेंट कौन कौन से पढ़े थे अभी हमने? क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल वॉल्यूम, जिनको हम क्रमशः पीसी, वीसी और टीसी से दर्शा रहे थे। हम यहाँ पर इनको मैथमेटिकली कैलकुलेट करके देखेंगे कि इनकी गणना किस प्रकार से की जा सकती है। इसके लिए हम उस कंसेप्ट को देखें कि क्रिटिकल वॉल्यूम पर वॉल्यूम का मान किसके बराबर हो जाता है? क्रिटिकल वॉल्यूम के बराबर। यानी हम कह सकते हैं एट क्रिटिकल पॉइंट वी इज इक्वल टू वी सी, जैसा कि हमने यहाँ पर इक्वेशन में बताया है। वी सी को आप जब लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये बन जाएगा वी माइनस वी सी इज इक्वल टू ज़ीरो। मैथमेटिकली आप दोनों साइड का क्यूब कर दीजिए, ज़ीरो का क्यूब जीरो ही रहेगा, लेकिन ये क्या बन जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड वी माइनस वी सी का होल क्यूब। इट इज़ ए मैथमेटिकल इक्वेशन, यू कैन ओपन दिस ब्रैकेट। जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप अपनी 10th और 11th क्लास की मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हो कि a माइनस बी का होल क्यूब। तो यहाँ पर v माइनस वी सी का होल क्यूब क्या हो जाएगा? इट विल बी वी क्यूब माइनस 3 वी सी मल्टीप्लाइड बाई वी स्क्वायर प्लस 3 वी सी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई वी माइनस वी सी क्यूब इज इक्वल टू ज़ीरो। अब आप वापस अपनी वेंडरवाल गैस इक्वेशन पर आइए। उस वेंडरवाल गैस इक्वेशन में आप P की जगह रख दीजिए PC और T की जगह रख दीजिए TC, यानी क्रिटिकल पॉइंट पर P का मान PC के बराबर हो जाता है और T का मान TC के बराबर हो जाता है। उस कंडीशन में वेंडरवाल इक्वेशन आपकी बन जाएगी वी क्यू माइनस इन ब्रैकेट बी प्लस आर टी सी अपॉन पी सी ब्रैकेट क्लोज वी स्क्वायर प्लस ए अपॉन पी सी मल्टीप्लाइड बाई वी माइनस ए बी अपॉन पी सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये दोनों इक्वेशन जो हमने यहाँ पर अभी देखी, जैसे 2.43 और 2.45, दोनों ही इक्वेशन क्रिटिकल पॉइंट्स पर हैं। अर्थात जब दोनों इक्वेशन क्रिटिकल पॉइंट पर हैं तो दोनों इक्वेशन सेम होंगी। जब दोनों इक्वेशन सेम होंगी तो इनमें वी क्यूब के कोफिशेंट, वी स्क्वायर के कोफिशेंट, वी के कोफिशेंट और इंडिपेंडेंट कोफिशेंट, ये सभी इक्वलाइज होंगे, इक्वल होंगे। तो इक्वेशन 2.44 में वो इक्वेशन 2.45 में इन सारे कोफिशेंट्स को इक्वलाइज करने पर हमारे पास इक्वेशन आएंगी। पहली इक्वेशन 3VC विल बी इक्वल टू बी प्लस आर टी सी अपॉन पी सी। नेक्स्ट इक्वेशन विल बी 3VC स्क्वायर इज इक्वल टू ए अपॉन पी सी। एंड फ्रॉम थर्ड इक्वेशन VC क्यूब इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी सी। इन तीनों इक्वेशन की सहायता से हम तीनों क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स के मान कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि इक्वेशन नंबर 2.47 और 2.48 को जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा वी सी इज इक्वल टू 3B। इसका मतलब क्रिटिकल वॉल्यूम, किसी भी गैस का क्रिटिकल वॉल्यूम उसके क्रिटिकल कॉन्स्टेंट बी का 3 times होता है। सो आगे से यदि आपको कभी ज़रूरत पड़े दोनों को इंटर कन्वर्जन करने की तो यू कैन इजीली पुट वी सी इज इक्वल टू 3B। इस वी सी इज इक्वल टू 3B का मान जब आप इक्वेशन नंबर 2.47 में रखेंगे तो यू विल गेट पी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन 27 बी स्क्वायर। यानी ये मान है क्रिटिकल प्रेशर का
इन टर्म्स ऑफ द वैंडरवाल कॉन्स्टेंट्स। और इसी तरीके से जब वी सी और पी सी के मान इक्वेशन नंबर 2.46 में पुट करेंगे तो यू विल गेट टी सी इज इक्वल टू 8A/27RB। तो इनको समराइज अपन कैसे करें कि क्रिटिकल वॉल्यूम इज इक्वल टू 3B होता है, क्रिटिकल प्रेशर इज इक्वल टू AB/27B² होता है और क्रिटिकल टेम्परेचर 8A/27RB के इक्वल होता है। आप एक तरीके से ये भी कह सकते हो वी हैव कैलकुलेटेड क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स इन टर्म्स ऑफ द वैंडरवाल कॉन्स्टेंट एंड द यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट टर्न पर हम देखेंगे कि वैंडरवाल कॉन्स्टेंट्स के मान को ए और बी को हम किस प्रकार से क्रिटिकल कॉन्स्टेंट्स के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओके।